नगर पालिका द्वारा फल सब्जी विक्रेताओं के लिए चिन्हित जगह कर देने के पश्चात भी फल सब्जी विक्रेता वहां पर अपनी दुकानें लगाने को तैयार नहीं हो रहे हैं और सोमवार को कांग्रेस विधायक प्रागी लाल जाटव के साथ एसडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला को भी ज्ञापन दिया। जब एसडीएम ने सब्जी विक्रेताओं की बात नहीं मानी तो आज से सभी सब्जी विक्रेता हड़ताल पर बैठ गए। सुनिए क्या कहना है फल सब्जी विक्रेताओं का। वर्तमान में जो काली माता का मंदिर वहाँ पर सभी लोग खड़े लगाते थे, लेकिन यहाँ के प्रशासन द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको जबरदस्ती यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पशु अस्पताल है, उसमें व्यवस्था ठीक नहीं है, ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही उसमें पार्किंग की व्यवस्था है। उस जगह के लिए उनको ध्वस्त किया जा रहा है कि वहाँ पर फेरे लगाए जाएँ, लेकिन जो फेरे वाले हैं उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है। उन्होंने क्या, अगर वहाँ फेरे लगते हैं जी तो हमारी जो रोजी रोटी चलती है, जो हम 200-500 रुपये महीने दिन का कमाते हैं, वो बिल्कुल भी हम वहाँ हमारी बिक्री नहीं हो पाएगी, इससे हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ समझ ठेले वाले तो हम बीमार की टीम उनके साथ आज से धरने पर बैठी हुई है। और जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पर जो व्यवस्थाएँ अव्यवस्थाएँ हैं, अगर उनको दुरुस्त करवा दिया जाए प्रशासन द्वारा, तो क्या आप ठेला लगाएंगे सब लोग? बिल्कुल, अगर वहाँ पर 250-300 ठेले लगने की व्यवस्था है और वहाँ पर अगर पार्किंग की व्यवस्था होती है, बिल्कुल हम ठेले लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप देखिए वहाँ मुश्किल से 20 ठेले भी नहीं लग पाएंगे। वहाँ अस्पताल बना हुआ है बीच में, उसके बाद थोड़ी सी जगह है, मुश्किल से 20 ठेले लग पाएंगे। और बीच रोड पर मान लीजिए कोई सब्जी लेने जाता है गाड़ी से, गाड़ी उसको भारी लगान लगाना पड़ेगी, फिर भी जाम लगेगा। पहले उससे पहले वहाँ सब्जी मंडी भी थी, तो वहाँ से 2 घंटे में वहाँ कम से कम 150 गाड़ियों को जाम लग जाता पर डे सुबह। इसके लिए तो 16 घंटे वहाँ पर बैठना है, तो सोचिए वहाँ पर जाम कैसा लगेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि वहाँ व्यवस्थाएँ नहीं है? हाँ, व्यवस्था ना होने के कारण हम चाहते हैं यहाँ पर ये ठेले लगे हुए हैं वहाँ से हम हटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन पशु अस्पताल की जगह कहीं हमारे लिए ऐसी जगह की व्यवस्था की जाए जहाँ पर शांति से और पार्किंग की व्यवस्था हो, जहाँ पर हमारे ठेले लग सके। जैसा कि आपने बताया कि आप मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं, और तो आपके द्वारा क्या प्रशासन से बात नहीं हुई क्या? हमारी कल बात हुई थी प्रशासन से, हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया, लेकिन हमको कोई संतुष्ट जवाब प्रशासन के द्वारा नहीं मिला। इसलिए आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, और जब तक हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सहमत भी हो गए और वहाँ हमने सब व्यवस्थाएँ कर दी, जैसे लाइट है, बढ़िया डस्टबिन लगा दी, पानी का कनेक्शन कर दिया, और हम ये चाहते हैं कि रोड से हटके वो वहाँ से जी। उनका वो ऐसा मानना है कि हमको अव्यवस्थाएं दिख रही हैं वहाँ पर, जो हमारे लिए जब जाएंगे हम लोग वहाँ पर स्थान पर गंतव्य, तो हमको पानी भरा हुआ है वहाँ, और पानी की पीने की सुविधा नहीं है, पार्किंग की सुविधा नहीं है, अन्य और भी सुविधाएँ नहीं दी गई। मेरा ये कहना है कि जहाँ तक वो मेन रोड पर लगा रहे हैं, उससे वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थित जगह है, पूरे कंपाउंड में बोल दिए, लाइट लगवा दिए, पानी के पीने की व्यवस्था है। पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था की गई है? पार्किंग के लिए रोड पे कौन सी पार्किंग थी? रोड पे तो कोई पार्किंग थी नहीं, वहाँ इतना बड़ा ग्राउंड है कि वहाँ पार्किंग भी अंदर हो जाए। शासन प्रशासन के अनुरूप आपको आपने जगह चिन्हित की गई है, तो वहाँ पार्किंग के लिए तो चिन्हित की गई होगी जगह? वो इतना बड़ा ग्राउंड है कि वहाँ पार्किंग भी बन जाए। अच्छा अच्छा, वहाँ कितने ठेले लगाए जा सकते हैं सर? वहाँ करीब 100 ठेले लगाए जा सकते हैं, जबकि जनसंख्या 200 के करीब पार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि 200 के पार है, 100 से ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा होगी तो फिर उसकी अलग सी व्यवस्था है जी। इसकी जगह दूसरा जगह चिन्हित कोई है आपकी नज़र में सर? नहीं, ये पहले से शासन से अलर्ट है, और पशु अस्पताल में इसी शर्त पे हमको दिया गया था कि पुराने अस्पताल में पशु अस्पताल को शिफ्ट किया जाएगा, और यह सब्जी मंडी के लिए जगह उपलब्ध कराएगा।